यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय नौणी के विद्यार्थी आज बेहद खुश नजर आए, क्योंकि जहां एक और विद्यार्थी ने अपनी शिक्षा पूरी की, वहीं उन्हें महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से गोल्ड मेडल लेने का मौका भी मिला। विद्यार्थियों की माने तो ये पल उनके जीवन के लिए स्वर्णमय पलों में से एक है। आपको बता दें कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदकों के अलावा 462 विद्यार्थियों को डिग्रियां भी प्रदान की गई। इस मौके पर सभी विद्यार्थी बेहद खुश नजर आए। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति से सबसे पहले गोल्ड मेडल हासिल करने वाले भाग्यशाली विद्यार्थी राजेश कमर ने बताया कि आज वह राष्ट्रपति से सबसे पहले गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले विद्यार्थी हैं और इस कारण वे बेहद खुश हैं। इस खुशी में आज उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृषक की आय को दुगुना करना चाहते हैं और इस सपने को साकार करने के लिए उनका विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यही कारण है कि आज राष्ट्रपति उनके विश्वविद्यालय में आए हैं, जिसके चलते सभी विद्यार्थी बेहद खुश हैं। मैंने अपनी PhD में अव्वल नंबरों से डिग्री प्राप्त करके आज अपने महामहिम प्रेसिडेंट द्वारा जो है गोल्ड मेडल पाया है। बहुत खुशी हुई मुझे और आज तो ऐसा लगा कि जैसे मानो मेरे पैरों नीचे जमीन ही नहीं थी। आज आप जब देखते हैं कि फार्मर्स का इतना प्लाइट है हर जगह और हमारे प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि 2022 तक हमने फार्मर्स की इनकम डबल करनी है, तो विदाउट हॉर्टिकल्चर और विदाउट आपके फॉरेस्ट्री को, एनवायरनमेंट को बिना देखे हम ये नहीं कर पाएंगे। हॉर्टिकल्चर की इसमें प्रमुख भूमिका रहती है और इसी विजनरी के साथ शायद प्रेसिडेंट भी यह सोच रहे हैं कि हमें जो है अपने एग्रीकल्चर और अपने हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा प्रोत्साहन देना है, इसी कारण वो उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का चयन किया।